रेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और रिसेंटली आरआरबी आईएनटीपीसी एग्जाम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसपे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उसके बाद पीबीसी की टीम आपके जो वर्जन था उसको लेकर ग्राउंड पर गई और छात्रों से हमने बात की। छात्रों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह की कमेटी से बात नहीं करनी, उन्हें सीधे से 20 गुना ज़्यादा चाहिए। एक तो ये अभी भी डिमांड है, और दूसरी वो कह रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड की जॉब है, मतलब लेवल सी में आप लेवल वन ग्रुप सी के एग्जाम्स की जो बात करें, जिसको ग्रुप डी भी एक तरह से कहा जाता है, उसमें बोल रहे हमारे जॉब आईएएस पीसीएस यूपीएससी की तरह नहीं है, बहुत नॉर्मल सा जॉब है, उसके लिए दो लेवल्स क्यों। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस कमेटी को छात्र खारिज कर चुके हैं, वैसी कमेटी बना के आप क्या हासिल करें? किसने कहा खारिज किया? छात्रों ने, ग्राउंड रिपोर्ट, 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए इसी कमेटी को। लेकिन वो कमेटी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि 10 गुना भाई, रिप्रेजेंटेशन आप, यही लिखा होगा। नहीं, आप ये देखो, वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारा एक फ्रेमवर्क है देश का, डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। उस फ्रेमवर्क में कोई इस तरह से डिसीजन नहीं लिए जाते कि कोई रैंडमली डिसीजन ले ले, हर डिसीजन के पीछे बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो हमें सोच समझ के संवेदनशीलता के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो कमेटी सीनियर ऑफिसर्स की है, जिनको बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी जो आए रिप्रेजेंटेशन उसको ऑलरेडी उसकी जांच करना भी चालू कर दिया है, वेट नहीं किया है कि तीन सप्ते, तीन छात्रों ने अप्लाई किया था, 1 लाख का रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो, 7 लाख अगर बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, उसमें 1 लाख बच्चों ने अगर रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। 3.8 नहीं, देखो जो लोग क्वालिफाई हुए वो लोग रिप्रेजेंट क्यों करेंगे, उनमें से तो बहुत कम लोग करेंगे। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं? 35,000 की वैकेंसी के अगेंस्ट कितने क्वालिफाई होते हैं? 7 लाख, 20 गुने के हिसाब से, तो करीब करीब 3.8 यूनिक नंबर है। बाकी जो 3.2 है, तो यानी 1/3 जो हो सकते थे क्वालिफाई, उसका 1/3 लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप कैसे कह सकते हो खारिज किया है भाई? क्योंकि हमने जिन ग्राउंड्स पे बात की, आपकी बात अगर मैं स्वीकार भी करूं, आप मिलो, जिस तरह से आउटरीच हो रहा है आरआरबी के पास में, स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अपने पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि हम खुले मन से, अच्छी नीयत से, क्लियर हार्ट से सुन रहे हैं उनकी बात और सुन के उसको सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ छात्र खारिज करने को बात कर रहे हैं और कुछ छात्रों ने आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया। एक दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि ग्रुप डी जैसे लेवल, वो तो बहुत, देखो उसमें ऑप्शन नहीं था सर कि एक बार में हो सके? बिल्कुल हो सकता है, देखो, और बहुत बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा भी कि हम अगर इतना बड़ा इलेक्शन करा सकते हैं तो हम इस तरह का एग्जाम के लिए करा सकते हैं। ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, ये भी कहा जा रहा है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एग्जाम का प्रोसेस और इलेक्शन का प्रोसेस अलग होता है। फेयरनेस बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि एग्जाम की आंसर शीट भी लोगों को दिखाई जाती है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्शंस भी उस पर रेज कर सके। इसीलिए सोचा गया था कि एक जो ग्रुप डी का लेवल वन का एग्ज़ाम है उसको 2 स्टेज में किया जाए, लेकिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है उस पर विचार करके बहुत जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। कभी भी ऐसा एक बार में भी हुआ है और इससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, ये भी एक तरह से समय बहुत लगता है, उसमें समय बहुत लगता है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अगर कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक लेवल में एक ही बार में एग्जाम हो ग्रुप डी वाला, तो क्या वो डिसाइड कर सकती है? कमेटी अपना डिसीजन डेफिनेटली ले सकती है, एक लेवल में कराने के लिए एक बार में बिल्कुल ले सकती है। एक उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब आप कहते हैं, एक आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के एक छात्र ने हमसे कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक पोस्ट है, मतलब एक वैकेंसी ऐसी निकलती है एक बार, और उस पर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है कि हम इतने ज्यादा बेरोजगार हैं? इस पर आपसे जवाब चाहिए। देखिए, रेलवे की नौकरी इतनी एक सेफ और इतनी अच्छी नौकरी मानी जाती है कि डेफिनेटली इसमें ज्यादा संख्या आएगी ही आएगी। बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां अवेलेबल हैं, लेकिन वो रेलवे की लेना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये विफलता नहीं, एक क्रेज है, ये डेफिनेटली रेलवे के लिए, रेलवे तो इतनी अट्रैक्टिव नौकरी मानी जाती है, इसको आप बेरोजगारी से नहीं जोड़ते, अट्रैक्शन से। आप डेफिनेटली ये देखोगे कि रेलवे की चाहे छोटी से छोटी कोई भी अगर पोस्टिंग निकलेगी तो उसमें हमेशा ज्यादा संख्या आएगी ही आएगी। आज की बात है क्या ये? क्या आज की बात? आप इतने सालों से रेलवे कवर कर रहे हो, आप ममता जी के, ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी तब भी आपने कवर किया, तब कितना संख्या आती थी? मैं आपकी बात, ये संख्या आती थी कि नहीं आती थी? होगी, मैं सिर्फ आती थी या नहीं आती थी? मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आप इसे बेरोजगारी से जोड़ते हैं या अपने
रेलवे डेफिनेटली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे नौजवान योगदान देना चाहते हैं, तो जितनी भी आप जब भी वैकेंसीज आएंगी ज़्यादा संख्या आएगी ही। अब आखिरी के दो सवाल मेरे बचते हैं सर, एक तो फिलहाल कितनी वैकेंसी है आपकी रेलवेज में, और जब 3-3 साल में इस तरह की वैकेंसी निकलेगी क्या एक्यूमुलेशन नहीं होगा, 16 के बाद 19 में निकली, 19 वाली अभी तक नहीं हुई तो फिर अगली कब होगी? देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे एसोसिएशंस का, फेडरेशंस का, उनका व्यू भी लेना होता है। आज हम बजट की बात कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए।